हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ गया हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट लेके। और इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले, इस पार्ट में हम लोग ऑर्डर पेज का ये स्टेटस है इसको कलर चेंज करेंगे डायनेमिकली और व्यू ऑर्डर पेज पे वर्क करेंगे। और वैसे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने वीएस कोड पर। सबसे पहले तो मैं ऐप डॉट रिसोर्स के अंदर सीएसएस के अंदर ऐप डॉट सीएसएस पे जाऊंगा और यहाँ पे कुछ सीएसएस टाइप करूंगा। देखो मैंने ये सारे डाल दिया, ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग, पेड आउट, डिस्पैच, ऑन वे, डिलीवर्ड। और इसके कलर मैंने सेट कर दिया डायनेमिक, ये हमारा डायनेमिकली वहाँ पे सेट हो जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ और एक राउट भी क्रिएट कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे ऑर्डर डिटेल्स के लिए, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो से हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर्स, उसके बाद से आईडी, और यहाँ पे लिखूंगा शो ऑर्डर, और यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर डॉट शो। ये हमारा राउट क्रिएट हो गया। तो मैं जब राउट क्रिएट हो तो मैं यहाँ पे आता हूँ और फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसको डुप्लीकेट किया यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ से जो फंक्शन है इसके बीच में होगा। सेपरेट करने के लिए मैंने ये काम किया है। यार मेरा वीएस कोड गलत सजेशन क्यों दे रहा है आज? ये 2 दिन से ये प्रॉब्लम आ चुका है मेरे में। डॉलर आईडी यहाँ पे रिसीव कर लेंगे और यहाँ पे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब मैं चलता हूँ। देखो हम यहाँ पे आएंगे, मैंने ऑलरेडी एन पी एम रन देव स्टार्ट कर रखा है सी एस एस कंपाइल होने के लिए। यहाँ पे हम चलते हैं और ये हमारा किस फाइल में है, रिसोर्स व्यूज एंड एंड अकाउंट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में है। तो मैं इसे डिलीट कर देता जो मैंने कॉमेंट किया था, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें खास तो अभी के लिए। एक मिनट कंट्रोल जेड करता, हो सकता है काम आ जाए। वेट वेट वेट, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आएंगे str underscore replace place replace pl, या replace सही हो गया, क्योंकि देखो हमारा जो आएगा, देखो पेड आउट है तो बीच में स्पेस है ना, इसको भी सॉल्व करेंगे। और हमने css कैसे बनाया है मैं दिखा देता हूँ। किसी भी तरह से हमें उस टेक्स्ट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, पेड अंडर स्कोर आउट और स्मॉल लेटर। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे करेंगे फर्स्ट हमारा क्या होता है फाइंड, तो फाइंड स्पेस करेंगे। देन दूसरा होता है रिप्लेस, तो रिप्लेस हम अंडर स्कोर से करेंगे। एंड थर्ड पैरामीटर होता है हमारा टेक्स्ट, जो भी हमें स्ट्रिंग चाहिए स्ट्रिंग यहाँ पे रिसीव करेंगे। इसके अंदर एक और फंक्शन पास कर देंगे, इसके अंदर एक और फंक्शन पास करेंगे एस टी आर टू लोअर, लोअर एल ओ डबल एल ओ डब्लू ओ लोअर, आई थिंक सही है लोअर केस। और यहाँ पे स्टेटस पास कर देंगे तो हमारा आई होप ये वर्क करे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा तो सही होगा। चेक करते हैं, मेरा सर्वर चल नहीं रहा है क्या? चल तो रहा है। आई होप एवरी थिंग इज वर्किंग, टू मच टाइम पेट गाइस। देखो एवरी थिंग इज वर्किंग, देखो पेंडिंग आ गया, पेड आउट आ गया, यानी कि हमारा एक काम कर रहा है। चलो जी बने, एक मिनट काम कर रहा है, आई एम श्योर नॉट श्योर, इधर नहीं चेक करते हैं, वैसे तो काम कर रहा है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं राइट क्लिक करके, यहाँ पे यदि क्लास पेड अंडर स्कोर आउट होगा तो वर्क कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी ग्रीन था। दैट्स गुड, चलो सही है, ये हमारा काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पे वर्क करना है। हम क्या करेंगे, देखो जैसे हम लोगों ने नीचे दिया था ना, इफ एल्स का कंडीशन करेंगे, जैसे मतलब व्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, ये सब। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ए टैग में कन्वर्ट कर देंगे, एच डी एफ लिखेंगे और राउट आर ओ यू टी राउट ऑर्डर शो। क्या हो रहा है, और यहाँ पे पास कर देंगे ऑर्डर एरो आईडी, राइट
आई होप एवरीथिंग इज फाइन फाइन फाइन। देखो 1 2, चलो ये सही हो गया। हमें नीचे क्या करना है, हमें कुछ कंडीशन नीचे करने हैं। देखो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉपी करेंगे, यहाँ से हमने कमेंट छोड़ा हुआ था, ये रहा बटन कैंसल ऑर्डर ट्रैक ऑर्डर का, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट खलास। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा बट एट द रेट इफ, और इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा ये str to लोअर केस इक्वल इक्वल। हमारा कैंसिल ऑर्डर कब होगा, जब पेंडिंग में होगा या फिर किस में होगा, जब पेड आउट रहेगा तो हमारा कैंसिल ऑर्डर होता PAID पेड आउट होगा तो हमारा कैंसिल ऑर्डर शो करेगा एट द रेट एल्स इफ। देखो मैं बस एक ही तो बताऊंगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई चाहिए तो आप ऐड करते जाओ होता जाएगा। ओह यहाँ पे ये नहीं लगाना, बस ऐसे कर देना। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे लिख दूँ तो ट्रैक ऑर्डर TRACK ट्रैक ऑर्डर। यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर दूंगा, टेक्स्ट ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टेटस करूँगा ऑन वे, मतलब डिलीवरी है ऑन द वे है तब ऑन अंडरस्कोर WAY वे, तो ये स्टेटस दिखाएगा। देखो दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश के देखो यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है ना, पेंडिंग है तो कुछ नहीं आ रहा। व्यू ऑर्डर इस पर वर्क करते हैं, राइट। चलो ये हमारा काम खत्म, इसको करता हूँ मिनिमाइज और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज्ड। अब मैं आऊँगा यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर show_order.plate.php, देन यहाँ पे हम करेंगे कोडिंग स्टार्ट। और उससे भी पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोलर का काम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर वेयर यूजर आईडी ऑथ यूजर एरो आईडी एंड वेयर, एंटर करके नीचे आ जाता हूँ, वेयर आईडी जो कि हमारा पैरामीटर में आ रहा है उसको मैं कर दूंगा फर्स्ट FIRST, दैट्स गुड। एंड मैं क्या करूँगा, रिटर्न व्यू शो ऑर्डर और यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट में पास कर दूंगा कॉम्पैक्ट ऑर्डर। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें इसके साथ बहुत सारे वेरिएंट भी चाहिए और भी डिटेल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप एंटर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एरो लगाता हूँ और यहाँ पे विथ कंडीशन पे आता हूँ, विथ रिलेशन का यूज करूँगा मैं, ऐसे करूँगा। देन मैं अब देखो मैं क्या करूँ, ऑर्डर के साथ मैं चलता हूँ ऑर्डर मॉडल पे, यहाँ पे आइटम है, मैं आइटम को कॉल करूँगा। अब आइटम में हमें क्या चाहिए, आइटम से हम प्रोडक्ट आइटम पे जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे बिलोंग्स टू रिलेशन डिफाइन करेंगे। एंटर करो यार, डिलीट करो, देन फिर करो, ये दिक्कत हो गई है। यहाँ पे लिखेंगे वेरिएंट RENT रिटर्न डॉलर दिस बिलोंग्स टू वेरिएंट क्लास, हो गया। देखो क्योंकि यहाँ पे वेरिएंट आईडी है, हम इसको बिलोंग कर देंगे तो ये हमारा वेरिएंट भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ एंड देन कहाँ गया ऑर्डर, नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट वेरिएंट कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमें वेरिएंट के साथ क्या क्या चाहिए ये भी देखते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करके वेरिएंट मॉडल पे चलता हूँ और यहाँ पे कलर हमें चाहिए, साइज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तीनों चाहिए, बट कुछ ही कुछ डिटेल्स चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर बंद कर दूंगा और यहाँ पे मैं आता हूँ कंट्रोलर पे। यहाँ पे देखो जब मैंने डॉट लगाया तो आइटम भी आएगा वेरिएंट भी आएगा, फिर डॉट लगाएंगे कलर, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आईडी चाहिए और कोड चाहिए, बस मैं ये डालूंगा। अब मुझे साइज भी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें दो बार लिखना पड़ेगा, ये सारा सेम रहेगा बट यहाँ पे साइज चेंज हो जाएगा।
फिर इसी में हमें प्रोडक्ट भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट भी है। मैं प्रोडक्ट पे चलता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और प्रोडक्ट में मैं चलता हूँ, देखता हूँ प्रोडक्ट में हमें आईडी और टाइटल चाहिए, और उसके बाद से हमें ओल्डेस्ट इमेज चाहिए, राइट। चलो जी बढ़िया, तो हमें आईडी चाहिए और टाइटल चाहिए, टाइटल एंड देन इसको डुप्लीकेट करूँगा और प्रोडक्ट डॉट ओल्डेस्ट इमेज, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक मिनट, रिटर्न डॉलर ऑर्डर, देख लेते हमारा आ क्या रहा है, कुछ एरर तो नहीं है। व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो आइटम आया, वेरिएंट आया, वेरिएंट के अंदर कलर आ गया, सारी जगह प्रोडक्ट आ गया, और प्रोडक्ट में हमें देखो क्या चाहिए, बस पाथ चाहिए, तो हमें प्रोडक्ट आईडी और पाथ लेना पड़ेगा, तभी हमें पाथ मिलेगा। देखते हैं काम बन जाए तो ठीक, कॉलन प्रोडक्ट आईडी एंड पाथ, क्योंकि हमें क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड सब की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, आई होप वर्क कर जाए, देखो दे दिया एरर, कांट बी फाइंड, कोई नहीं, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, या फिर आईडी डालने पे शायद आ जाए, आई विल चेक, वैसे नहीं है क्योंकि ये दूसरा रिलेशन है, ये नहीं आएगा, हैज मेनी है, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, बस ऐसे ही रहेगा, परफेक्ट रहेगा, दैट्स गुड। देखो ये आ गया, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, और ये हमारा व्यू फाइल कॉल होगा। अब हम चलते हैं अपने व्यू वाले फाइल पे, इन सारे को मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पहले एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड लेआउट डॉट ऐप, देन यहाँ पे एट द रेट सेक्शन सेक्शन, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा बॉडी कंटेंट, फिर मैं आता हूँ फटाफट टाइप करता हूँ, आप लोग देखे फटाफट टाइप करो, मैं बोलूंगा नहीं, स्क्रीन एमडी कॉलन पीएक्स हाइफन 20 ईएमटी हाइफन 6, क्योंकि हमें मार्जिन टॉप चाहिए, उसके बाद से ग्रिड डालेंगे, ग्रिड कॉल, एक काम करता हूँ गाइस, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, टाइम कौन वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ न्यू एड्रेस पे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल ए कंट्रोल वी, राइट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये हमें चाहिए नहीं, डिलीट, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इसको मैं कट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, हटा दिया ताकि हमारा माई ऑर्डर एक्टिव रहे दिखने में, और यहाँ पे और कुछ तो नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, इसको मैं आईडी को हटा देता हूँ, टेबल कंटेंट को हटा दूँगा, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेंटर हटा दूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर details डिटेल्स, और फिर लास्ट में मैं आईडी दे दूंगा, तो यहाँ पे करूँगा डॉलर ऑर्डर एरो, माय गॉड, एक मिनट, आईडी लिख के मैं कट करता हूँ इसको, क्योंकि हमें एसटीआर पैड भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, अकाउंट पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ पे हमने आईडी या ये रहा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, ये ऑलरेडी है, इस जो फॉर्म है ना, इसको मैं चेंज करूँगा डीआईवी में, इसको मैं करूँगा डिलीट, और कुछ चेंज करना, ये डिलीट करना है, उसके बाद इसके अंदर का सारा मटेरियल मैं डिलीट कर दूंगा, देखो गड़बड़ा गया, डी आई वी हो गया। अब यहाँ पे मैं कोड स्टार्ट करूँगा, क्या करेंगे, देखो डी आई वी
class flex cap hyphen one border hyphen salad 300 and rounded. And then inside this span और यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर आई डी. यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करता हूँ, क्लास फ्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 bg hyphen salet 400 एंड px hyphen 2 text white then font medium कर देंगे and rounded कर देंगे hyphen l. चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है. अभी तो कुछ दिखा ही नहीं. अच्छा जी bg salet 400 why not effect. देखते हैं pv लिखते हैं p. यहाँ पे मैं फ्लेक्स दे दूंगा क्लास फ्लेक्स एरो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 एंड देन यहाँ पे मैं सेम चीज पेस्ट कर दूंगा कॉपी एंड पेस्ट. बट ये वर्क नहीं क्यों क्यों नहीं किया यार, हमें ये नहीं समझ में आया. पैन बीजी सेलेक्ट जैसे 400 काम नहीं कर रहा आई थिंक. काम करता हूँ कुछ दिक्कत है. npm run build यदि ये काम कर जाएगा तो ऐसे ही कर देंगे सारा कॉपी पेस्ट. वैसे कॉपी पेस्ट ही करना वो जब तक हो रहा था तो मैं इसको कई बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. एक बार करूँगा अभी के लिए. ऑर्डर स्टेटस stats और यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉलर ऑर्डर एरो स्टेटस और इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट. यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेमेंट हो जाएगा पेमेंट स्टेटस और यहाँ पे डाल दूंगा पेमेंट अंडरस्कोर स्टेटस PAYMENT पेमेंट अंडरस्कोर स्टेटस और उसके बाद से मैं कर दूंगा टोटल TO टोटल और एरो लगा दूंगा. यहाँ पे डाल दूंगा टोटल अंडरस्कोर अमाउंट AMOUNT अमाउंट और यहाँ पे मैं डाल दूंगा डिस्काउंट अमाउंट DISCOUNT डिस्काउंट अमाउंट और यहाँ पे लिख दूंगा डिस्काउंट. यहाँ पे भी एरो साइन और एक और बनाऊंगा मैं डुप्लीकेट करके और इसको मैं लिखूंगा पेमेंट कितना टोटल पेमेंट हुआ है. तो ये कितना हुआ टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट. चलो देखते हैं रिफ्रेश दैट्स गुड इट्स वर्किंग. चलो बढ़िया. अब मैं फिर से npm रन देव करता हूँ. क्या करना हमारा बिल्ड तो हो गया एक बार. इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा. देन मैं यहाँ पे दे दूंगा MT5 और ऑर्डर्ड आइटम्स ITEM आइटम्स. अब मैं दिखाऊंगा कौन कौन से इस ऑर्डर में आइटम्स ऑर्डर हुए हैं राइट. तो मैं DIV क्लास ग्रिड कॉल 1 MD कॉलन ग्रिड कॉल 2 एंड गैप 4
एंड देन क्या करूँगा यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाऊंगा, एट द रेट फॉर ईच, और यहाँ पे क्या होगा डॉलर ऑर्डर एरो आइटम्स, और ये आ जाएगा डॉलर आइटम। चलो अब इसके अंदर हम करेंगे अपना काम। क्या करते हैं DIP क्लास फ्लेक्स गैप 4, देन इनसाइट, अब DIP एक और लेंगे और उसके फिर क्लास देंगे क्लास BG-Gray-100 राउंडेड। एक काम करता हूँ मैं, देखो क्या करूँगा, हमारा जो ये है ना बना हुआ ये कार्ट पेज का वही कॉपी करूँगा, कार्ट पेज का ये DIV कंप्लीट मैं कॉपी करूँगा, ये नहीं है कोई और है, ये रहा, कंप्लीट मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा, राइट। अब देखो अभी तो एरर शायद दे या ना दे, आई डोंट नो। अब देखो मैं यहाँ पे चेंज कैसे करूँगा, इमेज यहाँ पे आऊँगा, ऐसे करूँगा असेट स्टोरेज प्लस देन डॉट डॉलर आइटम एरो वेरिएंट VARI वेरिएंट एरो प्रोडक्ट एरो ओल्डेस्ट OLDEST ओल्डेस्ट इमेज एरो पाथ, राइट। देन मैं इसको कॉपी करता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे आता हूँ सेम काम पेस्ट किया एरो टाइटल, टाइटल के बाद से मैं आऊँगा कलर पे, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से मैं ऐसे करूँगा और यहाँ तक कॉपी करूँगा आइटम वेरिएंट एरो कलर COLOR एरो कोड, एंड देन मैं इसी को फिर से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा साइज, बिकॉज फॉर्मेट सेम है, ये साइज आ गया। अब हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे यहाँ तक, साइज हमारा हो गया, हमें क्या चाहिए क्वांटिटी चाहिए, तो पी टैग क्लास ओ क्लास टेक्स्ट ग्रे TEXT टेक्स्ट हाइफन ग्रे 400, राइट। यहाँ पर क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी, और स्पैन के अंदर ले लेंगे, यहाँ पे कर देंगे क्लास टेक्स्ट ग्रे 800, और यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो डॉलर आइटम एरो QTY जो कि हमारा ऑर्डर आइटम से आ जाएगा। अब मैं सेम काम क्या करूँ, इसी को मैं कॉपी करूँगा पेस्ट करूँगा दो बार, यहाँ पर हो जाएगा प्राइस PRICE, ओ मैंने दूसरे जगह लिख दिया PRICE, ये हो गया सिंगल एक आइटम का प्राइस, यहाँ पे मैं रुपी का साइन लगा दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा प्राइस PRICE प्राइस, और यहाँ पे लिखूँगा टोटल प्राइस, मैं इसको कॉपी करता हूँ PO टोटल एंड प्राइस मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्राइस इंटू क्वान्टिटी इक्वल टू टोटल प्राइस, और यहाँ पे मैं रुपी साइन लगा देता हूँ। अब चलो देखते हैं, आई होप एवरीथिंग इज गुड, रिफ्रेश, तो गाइस देखो हमारा आ गया, दैट्स गुड। मैं देखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, मैं सेकंड ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, गुड, लेकिन काम नहीं कर रहा है क्या यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे 2 आया, अच्छा
ये कैसे हो गया? इमेज इमेज फर्स्ट, सही है, मैं ही कंफ्यूज था, सही आ रहा है। गाइस नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम कूपन वाले पे काम करेंगे। अभी एक चीज़ मैं और चेक यहाँ पे कर लेते, एक मिनट में चेक ही कर लेता हूँ। ऑर्डर पे चलता हूँ, ऑर्डर को एक ऑर्डर ओपन कर लेता हूँ, ये चीज़ भी फिक्स करना ज़रूरी है। अब मैं इसको इस URL को कॉपी करूँगा और लॉगआउट कर दूँगा। या मैंने किया लॉगआउट, लॉगआउट नहीं हो गया। अब मैं इस URL पे पेस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे एरर आना आ गया ना, लेकिन हमें इससे शो पर आना नहीं है एरर। हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे कर देंगे डॉलर ऑर्डर एम्प्टी एरे, और यहाँ पे इफ के अंदर इसको पास कर देंगे इफ, और यहाँ पे कर देंगे ऑथ चेक। आई थिंक फिक्स हो जाएगा, दैट्स गुड, हो गया। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये कूपन सेक्शन यूज करेंगे, जो हमने कूपन क्रिएट किया था बैकएंड से उसको यहाँ पे शो कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं।